हार्डवेयर तो कई बार हम कुरियर से मंगा लेते हैं, अमेजोन पे ऑर्डर दे दिया, फ्लिपकार्ट पे दे दिया, कुरियर से आ गया। अब उस हार्डवेयर को इंस्टॉल करना प्रॉपर, तो आपको हार्डवेयर का नॉलेज भी होना चाहिए, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, फिर प्रॉपर सॉफ्टवेयर ढूंढना। लैंग्वेज हर्डल नहीं होना चाहिए, इंटरनेट आपको यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आपको इंटरनेट पे काम करना आना चाहिए, तो ये सब चीजें भी हैं। उसके बाद ये कैमरा और दूसरी चीजें हैं वो भी हैं। तो जब हम अपनी जिंदगी के साथ देखेंगे, आप में से कई लोग आसान थोड़ा सा कुछ काम देते हैं घबरा जाते हैं, आप बोलते हैं सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर आप इस नई दुनिया के लिए नहीं बने हैं। आप 10 साल बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, आप फेंक दिए जाएंगे, मार्केट से बाहर कर दिए जाएंगे। आप इस सिस्टम में, इस देश में और आने वाले समय में जो पूरी दुनिया का जो सिस्टम बनने जा रहा है उससे आप बाहर फेंक दिए जाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आप आउटडेटेड माल हैं, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, आप यूजर फ्रेंडली, आपको यूज करना नहीं आता, आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते, फिर आपका कोई काम नहीं है। आप कहेंगे इतने सारे सब्जेक्ट आप अकेले पढ़ा लो, अरे तो भाई तुम भी तो अकेले से पढ़ करके और परीक्षा दोगे और सेलेक्ट होगे, इसका मतलब तुमको सारे सब्जेक्ट का ठीक ठीक नॉलेज है। एकदम डीप नॉलेज तो जरूरी नहीं है, जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल स्टडी की बात हो रही है, तो आपको वास्ट सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा चलेगा, बहुत डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एक कॉमन सेंस तो डेवलप कीजिए। मैं आज आपकी से बात इसलिए कर रहा हूं कि अपने डर को खोलिए, और इन फुल स्टेक कंपनियों का तो खैर हम अभी एक आर्टिकल लेंगे, तो आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके माध्यम से बात करेंगे, क्योंकि आगे का जो आपका भविष्य निर्धारित होने वाला है वो फुल स्टेक पर ही होगा, और अगर आप ये फुल स्टेक नहीं कर पाए तो फिर आप मार्केट में रुक नहीं पाएंगे, मार्केट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे लोगों की बाढ़ आने वाली है जो परफेक्शन पर टिके हुए हैं, उनके अंदर परफेक्शन होगा, वो कई तरह के सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे, उनका कल्चर भी बहुत अच्छा होगा, उनका हिस्ट्री भी बहुत अच्छा होगा, उनका पॉलिटी भी बहुत अच्छा होगा, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से करेंगे, इकोलॉजी एनवायरमेंट को भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो आप भी करिए, अभी से करिए, और सब में परफेक्शन लेके आइए। ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक पर या हमारा ऑप्शनल है उसमें ठीक होते हैं तो हमारे 60 ठीक हो जाते हैं, दूसरा कुछ पूछने लगते हैं तो उसमें 50 भी नहीं पहुंचते, हम लोग 40 तक भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका उसमें ठीक है कि आपका ऑप्शनल है, आप उसको डीप में पढ़ते हैं तो उसमें आपका 60-65 ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपका ऑप्शनल नहीं है उसमें भी 55 से ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश कीजिए, ये कोई हर्डल नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर आप इतने दुनिया के जितने जीनियस लोगों को देख रहे हो, ये क्या क्या कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये यही तो है, ये तो फिर एंजॉय भी करते हैं, स्पेस टूर टूर पे भी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उसका सपना तो मंगल पे पहुंचाने का आदमी का, चांद पे बस्ती बनाने का, मंगल पे बस्ती बनाने के सपने, हमारे में से कितने भारतीयों के सपने हैं इस प्रकार के बताइए, और कितने भारतीय जो है इस काम को करने के लिए इन्वेस्ट करने को तैयार है, और या फिर कोई ऐसे काम करने निकल गया तो उसके शेयर खरीदने को तैयार है। अमेरिका में ढेरों हजारों लाखों लोग हैं जो इन लोगों के शेयर भी खरीदते हैं और इनके ऊपर विश्वास भी करते हैं कि इन्होंने ये चीज बना के दी है, तो उन्होंने ऐसी चीजें बना के दी है, जनता के बीच में परोस दी है, बना के दे दी है। एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं लोग तो एप्पल के फोन को देख करके उनको फीलिंग आती है, टेस्ला की कार चलाते हैं तो टेस्ला की कार चलाते समय उनको फीलिंग आती है कि हमको ये चीज बना के इस व्यक्ति ने दी, इसका मतलब इसका जो आने वाला प्रोजेक्ट है, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट आता है। कोई किसी का फैन नहीं है, मार्केट में कोई फैन नहीं होता, और मार्केट फैन फॉलोइंग के आधार पर नहीं चलता, लोग इन्वेस्ट नहीं करते फैन फॉलोइंग, वोट दे सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में फैन फॉलोइंग हो सकती है, कोई किसी टीवी एंकर का फॉलोअर हो सकता है ना, उसका फैन हो सकता है, कोई किसी नेता का फॉलोअर या फैन हो सकता है, लेकिन मार्केट में कोई किसी का फैन फॉलोअर नहीं होता। वो किस लिए क्या होता है, वो प्रॉफिट देखता है, वो उसका काम करने का तरीका देखता है, वो देखता है कि इसके पास जो तमाम चीजें हैं वो लोगों को लुभा सकती है कि नहीं, और अगर वो लोगों को लुभा सकती है, लोगों को खरीदने के लिए विवश कर सकती है, बिल्कुल उनको खरीदने के लिए मजबूर कर देगी कि उनको वो वस्तु खरीदनी है, उस वस्तु की तरफ उनको जाना है, या अगर उनके पास पैसा है तो वो जरूर उस चीज को खरीदेंगे। अगर मेरे पास पैसा होगा टेस्ला कार खरीदने लायक तो मैं टेस्ला कार जरूर खरीदूंगा। तो हर व्यक्ति सपना देखता है कि हमारे पास वो चीजें हो, तो लोग जब सपने देखने लग जाए जिन चीजों की के लिए, वो चीज बनने का प्रयास करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपना एंड टू एंड जितना आप काम करते हैं, जो कुछ करते हैं आप, उसको फैलाने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है।
और हमारे यहाँ तो बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फोन करते हैं, बात करते हैं तो बड़े घबरा जाते हैं कि सर आप पहले तो ये पढ़ा रहे थे और अब ये पढ़ाने लग गए, तो अब तो मेरे तो ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर आप इस चीज के लिए बने नहीं, आप इसके लिए बने नहीं। यहाँ तो कुछ भी होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ भी होगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जाता है और आपके सामने कुछ भी परेशानियां आएंगे। कोरोना की समस्या है, कोई कलेक्टर कह दे कि कोरोना में आप हमको इतना काम दे रहे हैं, हमको कलेक्टर में भर्ती हुए थे तब हमको नहीं बताया था कि ऐसे कोरोना आएगा और ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी है ना, करना पड़ा और सबको करना पड़ा, चाहे वो बीए किया हुआ कलेक्टर हो, चाहे वो कॉमर्स पढ़ा हुआ कलेक्टर था, या डॉक्टर कलेक्टर था, या इंजीनियर कलेक्टर था, जो भी था। अब वो इंजीनियर डॉक्टर और टीचर और आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस और ये सब नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, अब वो कलेक्टर हो गया, अब वो आईएएस हो गया। तो मैं इसके साथ प्रशासन को जोड़ रहा हूँ। प्रशासन को मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सीधा सीधा जो इसका संबंध है वो प्रशासन से, ये भी एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है टेक्निकल डेवलपमेंट करके। तो आपको जितने भी सेक्शन हो सकते हैं आपकी तैयारी के, उन सबको जोड़ना आना चाहिए, उन सबको कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए, जैसा यहां है इन लोगों ने किया है।